दोस्तों, जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि पबजी गेम अब आपको एकदम नए अवतार में देखने को मिलने वाला है, जो कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं और ऐसे में हमारे जो डाई हार्ट फैन है पबजी के, उन्होंने अपने गेमिंग सेटअप को लगाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो अगर आप भी एक गेमिंग लवर है और ऐसे में आप चाहते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन गैजेट देखना जो कि गेम खेलने में आपकी मदद कर पाए, तो आज की वीडियो एकदम आखिरी तक देखती रहेगा, क्योंकि एक एक गैजेट आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा और आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इस गैजेट के साथ। नंबर 12, बेसस न्यू शेप यूएसबी केबल। दोस्तों, गेम खेलते खेलते अगर आपकी फोन की बैटरी खत्म होने लगे और ऐसे में आपको लगाना पड़ जाए चार्जिंग, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल चार्जिंग केबल होती है उसे आप फोन पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसकी वजह से फोन की ग्रिप करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी और जुगाड़ से अगर आप फोन पकड़ने का ट्राई भी करते हैं तो कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं मिलते। तो इस जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की चार्जिंग केबल को, जो कि काफी बेहतर रहेगी। दोस्तों, इसे लगाने के बाद जो केबल होती है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं ग्रिप करने में आपको काफी आसानी होगी, साथ ही आप इजीली गेम को एंजॉय कर पाएंगे। तो हमारे पबजी लवर्स के लिए खास तौर पर बनाई गई है इस तरीके की चार्जिंग केबल, जिसे कि वो अपनी गेमिंग के दौरान फोन को चार्ज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 11, इनो फोन कूलिंग पैड होल्डर। दोस्तों, अगर आप फोन पर लंबे समय तक गेम खेलते हैं तो ऐसे में उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसके बाद गेम भी कहीं ना कहीं फंस के चलने लगेगा, यानी कि गेमिंग की परफॉर्मेंस में आपको काफी ज्यादा अंतर दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें फोन को ठंडा करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कूलिंग फैंस का। लेकिन दोस्तों, नॉर्मल कूलिंग फैन की बात करें तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे कि फोन के पीछे अगर आप उन्हें लगाएंगे तो उतना बेहतरीन रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं ग्रिप भी खराब होगी। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से फैन को, जो कि खास तौर पर आपके फोन को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, कूलिंग फैन की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही साइलेंट काम करता है अपना, यानी कि कोई भी आपको आवाज नहीं आएगी, और साथ ही इसमें रेडिएटर्स भी लगे होते हैं अंदर, जो कि आपके फोन को अंदर तक ठंडा करने का काम करेंगे। और दोस्तों, साइज में भी ये काफी छोटा रहता है, जिससे कि फोन के पीछे की तरफ अगर आप इसे लगा लेते हैं तो ग्रिप करने में भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप भी गेमिंग करना पसंद करते हैं अपने मोबाइल फोन पर ही और ऐसे में आपका फोन हीट करना शुरू कर देता है, तो ये गैजेट आपकी हीटिंग वाली प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा, जिससे कि लेटेस्ट गैजेट की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिलती रहे। नंबर 10, बेसस जॉयस्टिक गेम स्क्रॉलिंग टूल। दोस्तों, अगर आप पबजी फोर फिंगर से खेलते हैं और ऐसे में जो फायर पोजीशन है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत आती है फोन को अच्छे से ग्रिप करने में। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपकी फायर करने में मदद करता है। साथ ही दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे ग्रिप भी आपको काफी अच्छी मिलेगी फोन की और आपका फोन भी एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। दोस्तों, दरअसल ये छोटी सी पुश बटन्स होती हैं, जिन्हें कि आपको फोन के ऊपर की तरफ क्लिप कर देना होगा, जिसके बाद जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं इनकी लाल बटन्स को, आपकी फायरिंग का काम खुद ब खुद इसमें हो जाता है, यानी कि बार बार आपको डिस्प्ले में अपनी उंगलियों को आगे लाकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं फोन को सेफली ग्रिप करने में मदद करता है। तो अगर आप भी पबजी प्रो प्लेयर हैं और आप चाहते हैं फोर फिंगर से खेलना, वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ग्रिप के साथ, तो इस गैजेट को एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 9, नोमोडो वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। दोस्तों, गेम खेलते खेलते अगर चाय पानी मिल जाए तो उसका तो एक अपना अलग ही मजा होता है। तो ये गैजेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं आपकी चाय को ठंडा होने से और आपकी कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म होने से बचाएगा। साथ ही दोस्तों, ये आपके मोबाइल फोन को चार्जिंग देने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट होता है एक छोटा सा वायरलेस चार्जर, जिसमें कि आप आराम से अपने फोन को रखकर चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक छोटा सा कूलिंग और हीटिंग पैड भी होता है, जिसकी मदद से आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को एक लंबे समय तक ठंडा रख सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाय कॉफी का मजा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं ये उनको गर्म रखने का काम करेगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको इस छोटे से गैजेट में देखने को मिल जाती हैं, जो कि गेमर्स को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ ही अगर आप एक ऑफिस पर्सन हैं तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप काम करते करते अपनी ड्रिंक्स को लेना भूल जाते हैं तो आपकी चाय कॉफी एकदम सही सलामत रहेगी इस पे। नंबर 8, वॉय ग्लासेस। दोस्तों, अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो लगभग सभी गेमर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक लंबे समय तक मोबाइल फोन पर लगे ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, यानी कि आपकी नजरें अगर कमजोर हैं तब तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के ग्लास को, जो कि एक ऐसे पावर एडजस्टिंग फीचर के साथ आता है, जिससे कि आप अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से इसके पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लेंसेस के पास में छोटे छोटे व्हील्स दे रखे होते हैं, जिसे कि आगे पीछे करके आप इसके पावर को एडजस्ट कर पाएंगे, यानी दूर की नजर और पास की नजर वालों के लिए चश्मा तो एक ही रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर पाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। साथ ही इन ग्लासेस में आपको ब्लू लाइट ब्लॉकर और यूवी प्रोटेक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है, जो कि लंबे समय तक मोबाइल फोन यूज करने वालों के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होता है। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके के ग्लासेस को परचेज कर सकते हैं, जिससे कि गेम खेलने में कहीं ना कहीं आपकी आंखें सुरक्षित रहें। नंबर 7, बेस मी पर्सनल सबवूफर।
दोस्तों गेम खेलते समय अगर आप हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको साउंड तो अच्छी मिल जाती है लेकिन जो बेस होता है वो उतना मजेदार नहीं आता। तो ऐसे में आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि एक तरीके के सबवूफर की तरह काम करेंगे आपके हेडफोन या फिर ईयरफोन के साथ। दोस्तों इन्हें आपको अटैच करना होगा अपने मोबाइल फोन के साथ और जब आप इसे अपने चेस्ट पर लगा लेते हैं और जो भी साउंड आपकी गेम में होती है ये ठीक उसी हिसाब से आपकी बॉडी में इम्पैक्ट देता है जिससे कि बेस आपको एकदम अंदर तक फील होगा। तो गेमर्स के लिए ये चीज बड़ी ही कमाल की होने वाली है जिससे कि वो गेम को एकदम अंदर तक फील कर सकते हैं। नंबर 6 गेमसर X2 टाइप सी गेमिंग कंट्रोलर। दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन में गेमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप टच पर अपनी कंट्रोल्स को यूज कर रहे होते हैं तो आपका जो व्यू होता है वो हल्का फुल्का ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से वो मजा नहीं आता है जो आना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा गैजेट जो कि आपको गेम कंट्रोल के बेहतरीन ऑप्शन तो देगा ही साथ ही आपका व्यू भी किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं होगा। दोस्तों ये एक ऐसा गेमिंग कंट्रोलर होता है जिसे कि आपको अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच करना होता है। साथ ही दोस्तों जैसे ही आप अटैच करा लेते हैं तो सारे कंट्रोल्स आपके इस छोटे से कंट्रोलर में आ जाते हैं जिसके बाद आप इजीली इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटी सी जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है, कुछ नेविगेशन कीज देखने को मिल जाती है जिससे कि गेम का कंट्रोल तो बेहतर होगा ही होगा साथ ही इसका मजा भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आएगा। दोस्तों इस गैजेट की एक और खास बात होती है कि सभी तरीके के स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल होता है यानी कि साइज कोई भी हो आपका स्मार्टफोन आसानी से इसमें आ जाएगा, बस आपके फोन में टाइप सी पोर्ट का होना जरूरी होता है। नंबर 5 Z2T एनवर नेक वार्मिंग स्कार्फ। दोस्तों मौसम का प्रभाव तो हमेशा से ही ह्यूमन बॉडी पर हावी रहा है और जब आप बात गेमिंग की करेंगे तो ऐसे में भी कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है क्योंकि अगर आप गर्मी के मौसम में गेम खेलते हैं तो आपको गर्मी लगेगी और सर्दी के मौसम में आप रजाई के अंदर कब तक आखिर गेम खेलेंगे। तो दोस्तों ये सिचुएशन बड़ी ही उलझाऊ होती है लेकिन इसका सोल्यूशन मैं अब आपको एक बताने वाला हूं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा गैजेट जो कि देखने में तो एक हेडफोन के जैसा लगता है लेकिन ये आपके लिए छोटे से एयर कंडीशन की तरह काम करेगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आसानी से आप अपनी बॉडी को ठंडा या गर्म रख सकते हैं। देखने में तो ये एकदम फोन जैसा लगेगा जिसे कि आप फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा पाएंगे लेकिन जब चाहे इसे अनफोल्ड करिए अपने नेक पर लगा लीजिए और पावर बैंक से कनेक्ट करने के बाद इसे जब पावर मिलती है तो ये आपकी बॉडी को ठंडा या गर्म रखने का काम आसानी से कर सकता है। तो गेमर्स के लिए ये चीज बड़ी कमाल की रहेगी कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए PUBG खेलते समय और ऐसे में ये गैजेट्स आपको कहीं ना कहीं मौसम से तो निजात देता है। नंबर 4 एम्बर मक 2। दोस्तों कभी कभी किसी काम को करने में हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि अगर हमारी चाय कॉफी कोई बगल में रख जाता है तो हमारा ध्यान भी उस पर नहीं जाता। तो दोस्तों गेमिंग करते समय तो ये चीज जरूर होती है कि जब आप PUBG जैसे गेम को खेल रहे होंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आप उसी में लगे रहेंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इस तरीके के मग को आप अपने गेमिंग के वक्त ट्राई करके देख सकते हैं जो कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मग होगा जो कि आपकी चाय कॉफी को गर्म रखने का काम करेगा। ये दरअसल एक बैटरी पावर्ड गैजेट होता है जिसे कि आपको चार्ज करना पड़ता है और सिंगल चार्ज पर लगभग 1.5 घंटे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि चाय कॉफी आराम से आपकी लगभग 1.5 घंटे तक इसमें गर्म बनी रहेगी। और तो और दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन के साथ भी कनेक्ट रहता है जिससे कि जब भी आपकी चाय कॉफी ठंडा होना शुरू होगी तो फौरन ये आपके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन भी भेज देगा। तो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी लगती है, मुझे लगता है ये खास तौर पर गेमर्स के लिए बनाई गई है जिसका इस्तेमाल करके आसानी से वो अपनी चाय कॉफी को एक लंबे समय तक पीते रहें। नंबर 3 Realme Buds Air Pro। दोस्तों अगर आप एक ऐसे ईयरबड्स चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप खास तौर पर गेमिंग में कर पाएं और आपको एक लंबा बैकअप मिले तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। रियलमी की तरफ से आने वाले ये प्यारे से ईयरबड्स खास तौर पर बनाए गए हैं गेमिंग के लिए जहां पर आपको सुपर लो लेटेंसी देखने को मिलती है जिससे कि गेमिंग का मजा ही कुछ और हो जाता है। साथ ही इसमें लगभग 25 आवर का प्ले टाइम मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का रहेगा यानी कि बार बार इसे आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप गेम खेलते समय एक लंबा समय इस पर बिता सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये ईयरबड्स पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट होते हैं जहां पर ये आपको मिल जाते हैं IPX4 रेटिंग के साथ जिससे कि आप इजीली इसका इस्तेमाल कर पाए। साथ ही यहां पर आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए डुअल माइक सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर से ये ईयरबड्स लेस होते हैं जिसकी वजह से आपको क्वालिटी के मामले में तो एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज देता है ये। तो कमेंट करके बताएगा कि भाई आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 2 OnePlus 9। दोस्तों OnePlus खास तौर पर अपनी बेहतरीन डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और गेमर्स की भी हमेशा से पसंद रही है OnePlus क्योंकि वहां पर जो प्रोसेसर और जो कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाती हैं वो काफी खास बना देती है आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को। तो OnePlus 9 भी खास तौर पर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर इनबिल्ट होता है स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें एड्रीनो 660 GPU देखने को मिल जाता है जिससे कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन होगी। आप अगर चाहें तो इसे 8GB RAM या फिर 12GB RAM के साथ
साथ परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रही गेमिंग की बात, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी करना चाहते हैं तो उसके भी अल्टीमेट ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ ये आता है और साथ ही दोस्तों 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफी प्रोफेशनल क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। और वहीं दोस्तों गेमर्स के लिए कहीं ना कहीं डिस्प्ले का भी एक अपना बड़ा रोल होता है, तो यहाँ पर आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी यहाँ पर एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये OnePlus 9 कैसा लगा है। नंबर 1, म्यूट्रिस GB30 स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस। दोस्तों अगर आप लंबे समय तक गेमिंग करते हैं और ऐसे में किसी हेडफोन को या फिर ईयरफोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी ना कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कानों में हल्का फुल्का दुखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के मजेदार गैजेट को, जो कि एक तरीके के ग्लासेस होते हैं, लेकिन ये आपके लिए छोटे से ईयरफोन की तरह भी काम करेंगे। इनमें दरअसल पीछे की तरफ से बोन कंडक्शन वाले स्पीकर्स लगे होते हैं, जो कि आपके कानों में अंदर तक आवाज पहुंचाते हैं, यानी कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति भी उन आवाजों को नहीं सुन सकता है, लेकिन आपको क्लियरली सारी साउंड सुनाई देगी। इसमें आपको बोन कंडक्शन स्पीकर्स के साथ साथ डायरेक्शनल साउंड्स के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि जब आप गेमिंग कर रहे होंगे तो आपको सारे फुट स्टेप वगैरह सब कुछ बहुत ही क्लियरली सुनाई देगा। दोस्तों काफी कमाल की चीज रहती है, जो कि देखने में तो बिल्कुल अलग सी होती है, लेकिन गेमर के लिए एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो कमेंट करके बताएगा कि भाई आपको इस सीरीज के सबसे बेहतरीन गैजेट्स कौन कौन से लगे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे व्हीकल्स के बारे में, जो कि खास तौर पर बच्चों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, जिसकी वजह से देखने में भी काफी अट्रैक्टिव से लगेंगे और आप भी एक बार सोचेंगे कि काश आपके पास भी ये सारी चीजें होती। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस अनोखी कैटेगरी की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। नंबर 9, सुपर स्पोर्ट 24V कार। दोस्तों बचपन में हम सभी को कार्स काफी पसंद थी। इसके पीछे वजह यह होती है कि जब भी हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को रास्ते में चलते हुए देखते हैं तो एक बार हमारा भी मन करता है कि काश हमें वो एक बार चलाने के लिए मिल जाती। लेकिन अब बचपन में उस तरीके की गाड़ियां तो हम लोग चला नहीं सकते थे, लेकिन उनकी जगह पर अवेलेबल है कुछ इस तरीके की टॉय कार्स, जो कि आपके बच्चों को काफी पसंद आने वाली हैं। दोस्तों ये एक ऐसी टॉय कार होती है जो कि देखने में एकदम सिंपल वैसी ही कार लगती है जैसे कि ओरिजिनल हो। साथ ही ये ओपन रूफ गाड़ी होती है, जहां पर आपको डबल सीट्स देखने को मिल जाएंगी, यानी कि एक साथ इसमें दो लोग सवारी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो कि ओरिजिनल कार से काफी मिलते जुलते हैं। इसमें भी आपको एक छोटी सी चाबी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके इंटीरियर में आपको एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आप म्यूजिक का मजा ले पाएं इसे चलाते वक्त। तो काफी कमाल की चीज रहती है, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसमें वो बैठकर आराम से सवारी कर पाएंगे। नंबर 8, जीप गो कार टाओ टाओ मोटर। दोस्तों जीप खास तौर पर जानी जाती है ऐसी जगह पर चलने के लिए जहां पर नॉर्मल गाड़ियां आसानी से नहीं जा सकती हैं, यानी कि वो उबड़ खाबड़ रोड जहां पर कार वगैरह आसानी से नहीं जा सकती है, वहां पर जिप्सी आराम से चली जाती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी ही कार्ट होती है जो कि काफी रफ टेरेन्स पर चलने के लिए बनाई गई है। इस जीप की खास बात ये होती है कि ये एकदम ओपन व्हीकल होता है, जहां पर आपको 2-सीटर और 4-सीटर दोनों ही तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक चीज और खास रहती है, वो रहते हैं इसके ट्रांसमिशन। यहां पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही देखने को मिल जाएगा, जिससे कि अगर आप चाहें तो इसमें गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, और अगर बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे चलेगी, जहां पर सिर्फ आपको एक्सेलेरेटर लेना होगा और ये जीप एकदम हवा से बातें करेगी। तो इस तरीके की कमाल के फीचर्स आपको इस छोटी सी कार्ट में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर पेरेंटल कंट्रोल के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि जब इसका इस्तेमाल बच्चे करें तो आप इसकी स्पीड को सेट कर सकते हैं। यहां पर बच्चों के हिसाब से इसे 5 माइल पर आवर तक की टॉप स्पीड दी गई है, जिससे कि बच्चे जब इसे चलाएं तो ये ज्यादा तेज ना भागे, लेकिन आप जब चाहें इसे हवा में उड़ा सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये चीज कैसी लगी है। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा, जिससे कि मजेदार गैजेट्स आपको वहां पर भी देखने को मिले। नंबर 7, पावर व्हील्स। दोस्तों अगर हम बात करें एक ऐसे राइडिंग मीडियम की जो कि बच्चों के हिसाब से काफी सेफ रहे, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों ये एक तरीके का थ्री व्हीलर गैजेट होता है, जहां पर दो बड़े बड़े व्हील्स तो आपको दिखाई देंगे, एक छोटा सा व्हील इसमें पीछे की तरफ होता है जो कि बैलेंसिंग और डायरेक्शन में मदद करता है। इसमें आपको जॉयस्टिक कंट्रोल दे रखे होंगे, जिससे कि आप इसकी स्पीड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही हल्के फुल्के आप इससे ट्रिक्स भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पिनिंग और बहुत सारे एडवांस फंक्शंस होते हैं, जिससे कि ये गाड़ी अपनी ही जगह पर बैठकर घूम जाती है। तो काफी कमाल की चीजें आपको इस छोटे से कार्ट में देखने को मिल जाएंगी, जो कि बच्चों के हिसाब से एकदम सेफेस्ट गैजेट रहेगा। और दोस्तों इसमें बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए स्पीड लिमिट करने के भी ऑप्शंस दे रखे गए हैं, जिससे कि आप इसमें एक स्पीड को सेट कर पाएंगे और बच्चे उसे ज्यादा तेज ना चला पाएं। तो बेहद सिंपल सा ये गैजेट रहता है, जो कि बच्चों के खेलने के हिसाब से एकदम सेफेस्ट मीडियम रहेगा।
नंबर 6, स्टार्टर क्राफ्ट इलेक्ट्रिक बोट्स। दोस्तों बच्चों को बोटिंग करना काफी पसंद होता है, जिसके लिए दोस्तों जनरली हम लोग पैडल वाली बोट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसी बोट्स हो सकता है आपने शायद ही कभी देखी हो जो कि खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई हो। लेकिन दोस्तों ये बोट देखने के बाद आप वाकई काफी बेहतरीन फील करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी बोट होती है जो कि खासतौर पर बनाई गई है बच्चों के लिए। ये काफी लग्जरी बोट होती है जहां पर आपको काफी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक तरीके से बैटरी पावर्ड इस बोट को खासतौर पर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बनाया गया है, जिससे कि बच्चे इसका इस्तेमाल फ्रीली कर पाए। यहां पर आपको मल्टीपल स्पीड सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें कि आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी टॉप स्पीड 8 किलोमीटर पर आर की होती है, जो कि बच्चों को देखते हुए काफी बेहतर मानी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैटरी ऑपरेटेड गैजेट है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बैटरीज के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें कि आप लगभग 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की बोट खासतौर पर बनाई गई है बच्चों के लिए, जिससे कि वो राइडिंग का मजा ले पाए। साथ ही ये कहीं ना कहीं आपको एक लग्जरी फील भी कराती है। तो बताइएगा कि आपको ये छोटी सी बोट कैसी लगी है। नंबर 5, गेकॉन स्नो। दोस्तों बर्फ में खेलना किसे पसंद नहीं होता, और दोस्तों अगर खासतौर पर बच्चे बर्फ में पहुंच जाएं तो उनको तो मजा ही आ जाती है ऐसे माहौल में। लेकिन इस माहौल में 4 चांद तब लग जाते हैं जब आपको इस तरीके की स्नो कार्ट मिल जाए, जिससे कि आप पूरी बर्फ में आराम से टहल पाएं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो दोस्तों ये एक ऐसा ही छोटा सा गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी छोटी सी स्नो कार्ट होती है जो कि आपके लिए और आपके बच्चों दोनों के लिए ही बेहतर रहेगी। बैटरी पावर्ड इस कार्ट को चलाना भी बेहद आसान होता है, जो कि ठीक एक साइकिल की तरह होने वाली है। इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी पावरफुल मोटर लगी रहती है जो कि फ्रिक्शन बेल्ट पर काम करती है, जिससे कि वो जब बेल्ट घूमती है तो ये कार्ट खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। और दोस्तों इसमें रेसिंग के भी फीचर डाले गए हैं, अगर आप चाहें तो इससे कार्ट की रेस भी कर सकते हैं, जो कि काफी इंटरटेनिंग रहेगी स्नो में खेलने के हिसाब से। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये स्नो कार्ट कैसी लगी है। साथ ही अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा तो क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। नंबर 4, गो कार्ट बाय हाइपर गोगो। दोस्तों अगर हम एक ऐसे छोटी सी कार्ट की बात करें जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही काम की हो, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी छोटी सी कार्ट होती है जो कि 2 हिस्सों में आती है, जिसमें एक हिस्सा तो इसकी कार्ट का होता है और दूसरी इसकी मोटर का। आप अगर चाहें तो मोटर को इंडिविजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस कार्ट में साइज एक्सपेंशन के भी फीचर होते हैं, जैसे कि जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, और बच्चों के लिए इसके साइज को छोटा करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सारे कंट्रोल्स एक नॉर्मल कार्ट की ही तरह देखने को मिल जाएंगे, जहां पर एक छोटी सी स्टीयरिंग होती है जिससे कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी इसमें आपको दे रखा होता है, जिससे कि आपको हाथों से ही कंट्रोल करना होगा। आप इसे बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर पर ही, और जब चाहें इसे इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो इस तरीके की कार्ट बेहद पावरफुल होती है, जिसका इस्तेमाल आप रेसिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके की गैजेट्स की अगर आप रेसिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी स्पीड भी बड़ी कमाल की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये छोटी सी कार्ट पसंद आई हो तो इसे एक लाइक तो दे ही दीजिएगा दोस्तों। नंबर 3, कैटरपिलर रेप्लिका मिनी डोजर। दोस्तों आपने बड़े बड़े बुलडोजर्स देखे होंगे, जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनली काफी सारे कामों के लिए किया जाता है, फिर चाहे तोड़फोड़ की बात हो या फिर साफ सफाई की। ऐसे समय में बुलडोजर के अलावा और कोई चीज काम नहीं आती है। लेकिन दोस्तों बच्चों को भी काफी ज्यादा लगाव होता है इन सब चीजों से, लेकिन अब उन्हें बड़े बड़े बुलडोजर्स तो दिए नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके की चीज उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा मिनी डोजर होता है जिसका इस्तेमाल आसानी से छोटे मोटे कामों में किया जा सकता है। साथ ही इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चे भी इसे इजीली इस्तेमाल कर पाए, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा ना सिर्फ इस्तेमाल करने में, बल्कि लुक वाइज भी काफी ज्यादा छोटा और साइज में मिनी होता है, जिससे कि आप जहां चाहे वहां इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज वाकई एक थोड़ी सी यूनिक रहती है, जो कि बच्चों को तो पसंद आएगी, साथ ही आप भी चाहेंगे कि आप भी एक बार इस पर बैठकर थोड़ा सा साफ सफाई का काम आसानी से कर लें। नंबर 2, रॉक डीमॉन बाइक। दोस्तों आजकल के बच्चों को बाइक से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है, जिसकी वजह से अक्सर वो छोटी छोटी टॉयज की दुकानों पर जिद करने लगते हैं छोटी मोटी बाइक्स को खरीदने की। लेकिन दोस्तों नॉर्मल जो बाइक्स आती हैं उनमें आप राइडिंग का मजा उतना फ्रीली नहीं ले सकते जितना कि इस बाइक में। दोस्तों ये एक तरीके की डर्ट बाइक है जो कि खासतौर पर बनाई गई है बच्चों के चलने के लिए। दोस्तों इसे कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे कि हर तरीके की रोड्स पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसमें 36 वोल्ट और 500 वाट की पावरफुल मोटर लगी होती है, जो कि इसे पावर देती है, और साथ ही ये बाइक बैटरी ऑपरेटेड रहती है। जैसा कि मैंने बताया इसे बच्चों के लिए बनाया गया है, तो इसमें पैरेंटल कंट्रोल के भी ऑप्शन होते हैं, जिससे कि आप स्पीड की लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल लिमिट ऑप्शन 5 माइल पर आवर, 10 माइल पर आवर और 16 माइल पर आवर के देखने को मिल जाएंगे। इन स्पीड के एक्सेस कंट्रोल आपको एक की लॉक के जरिए मिल जाते हैं, जिन्हें कि आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। तो बच्चों की राइडिंग के हिसाब से इस तरीके की छोटी सी ई बाइक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, साथ ही लुक वाइज भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। नंबर 1, माई मिनी ट्रक।
दोस्तों बच्चों को हैवी व्हीकल से कुछ ज्यादा ही लगा होता है, जैसे कि ट्रक वगैरह हो गए। तो अगर आपके बच्चों को भी कुछ इसी तरीके की चीजें पसंद हो तो आप उन्हें इस तरीके का मिनी ट्रक दे सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा साइज में छोटा सा मिनी ट्रक होता है जो कि खास तौर पर बच्चों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। हालांकि साइज में थोड़ा सा दिखने में हैवी लगेगा, जिससे कि बच्चों को ये चीज पसंद आएगी, लेकिन इसके कंट्रोल्स भी बहुत इजी रहते हैं और स्पीड भी बहुत नॉर्मल होती है, जिससे कि कैसे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही छोटे से ट्रक में स्पेस भी काफी ज्यादा रहता है, जिससे कि आसानी से दो लोग इसमें खड़े होकर सवारी कर सकते हैं और ओवरऑल दिखने में ये चीज काफी अट्रैक्टिव तो लगती ही है। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट आपके बच्चों को यकीनन काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कमेंट करके बताएगा कि इस सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। वहीं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट की अगर आप कीमत जानना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक देखने को मिल जाएंगे। आज की इस दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की बात करी जाए तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है, बस, ट्रेन, साइकिल, कार, हवाई जहाज या ट्रेन जैसी चीजें। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मीडियम्स भी होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा तो नहीं है, लेकिन उनके साथ सफर करना काफी ज्यादा मजेदार होता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही हाईटेक ट्रैवलिंग मीडियम्स दिखाने वाले हैं जो कि आपको काफी इंटरटेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस अनोखी सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा। नंबर 9, स्काई ड्राइव। दोस्तों एक चिड़िया की तरह आसमान में उड़कर हवा से बातें करना किसे पसंद नहीं होता, जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का जो कि हमें हवा में उड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों ये दरअसल एक तरीके का ऐसा ड्रोन होता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर फ्लाइंग टैक्सी के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों देखने में तो ये एक ड्रोन का काफी बड़ा सा रूप लगता है, जहां पर आपको बैठने के लिए भी एक जगह दे रखी होगी। एक फ्लाइंग कार की तरह आप इसे हवा में उड़ा सकते हैं और जहां मर्जी चाहे वहां ले जा सकते हैं। इसे ऑपरेट करना बेहद इजी होता है क्योंकि इस गैजेट में आपको जॉयस्टिक कंट्रोल दे रखे होते हैं, की वजह से आप इसे आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही इसमें 4 प्रोपेलर लगे होते हैं जो कि इसे पावरफुल बनाते हैं और इसकी एरोडायनेमिक डिजाइन इसे और भी खास बना देती है। तो ये चीज देखने में तो कमाल की लगती ही है, साथ ही इसकी राइडिंग भी बड़ी ही कमाल की होगी। तो दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले इस तरीके की फ्लाइंग टैक्सी में बैठने का तो जरूर इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। नंबर 8, स्लिंगशॉट। दोस्तों आपने रेसिंग वाली कार्स तो काफी सारी देखी होंगी जो कि 4 पहियों पर आसानी से ट्रैक पर दौड़ लगा सकती हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसी रेसिंग कार की बात करें जो सिर्फ 3 पहिए की हो तो ये शायद आपके लिए पहली बार हो। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा ही रोडस्टर होता है जो कि खास तौर पर रेसिंग के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये एक तरीके की 3-व्हीलर कार होती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर रेसिंग के लिए किया जाता है और इसकी यूनिक डिजाइन इसे काफी ज्यादा खास बनाती है। इसमें प्रोस्टार 2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन लगा होता है जो कि इसे पावरफुल बनाता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 5 सेकंड के अंदर में ही 0 से 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड हासिल कर लेती है। यानी कि एक परफेक्ट रेसिंग कार के लिए इसमें वो सारी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। वहीं दोस्तों इसका इंटीरियर भी बेहद लाजवाब बनाया गया है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। ओवरऑल इसकी डिजाइन भी काफी ज्यादा कस्टमाइज रहती है, जहां पर आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये छोटी सी कार कैसी लगी है। साथ ही दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप तक लेटेस्ट गैजेट की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। नंबर 7, सी ब्रीचर। दोस्तों पानी में मछलियां गोते लगा सकती हैं और साथ ही छलांग भी लगा सकती हैं, जो कि उनको तो काफी ज्यादा बेहतरीन फील कराता होगा, लेकिन हम इंसानों के बस में क्या ऐसा कुछ है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है इस तरीके के गैजेट की मदद से। दोस्तों दरअसल ये एक ठीक वैसा ही गैजेट होता है जो कि ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसमें कि मछलियां करती हैं। इसकी डिजाइन और शेप कुछ ऐसा ही होता है। आप अगर चाहें तो इसे डॉल्फिन या फिर शार्क जैसे बहुत सारे मॉड्यूल में परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अंदर की तरफ एक छोटा सा केबिन दे रखा होगा जिसमें कि आप बैठ पाएंगे, जिसमें आपको जॉयस्टिक कंट्रोल दे रखे होंगे जिससे कि आप आसानी से छलांग लगा सकते हैं, साथ ही साथ पानी के अंदर डाइव भी मार सकते हैं। ये चीज बड़ी ही कमाल की होती है। पानी के ऊपर इसकी टॉप स्पीड लगभग 60 माइल पर आर की होती है और पानी के अंदर लगभग 25 माइल पर आर तक की पहुंच जाती है। वहीं दोस्तों इससे आप 20 फुट ऊंची छलांग लगा सकते हैं, साथ ही पानी के अंदर भी ये आराम से 5 फीट तक चला जाता है और लगभग 30 सेकंड पानी के अंदर स्टे भी कर सकता है, जो कि इसका एक कमाल का फीचर रहेगा। तो अगर आप भी एकदम मछली वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, वो भी एक छोटे से केबिन में बैठकर, तो इस तरीके के गैजेट से आप काफी सारे स्टंट्स कर सकते हैं। नंबर 6, इलेक्ट्रॉन लिफ्ट ई-बाइक। दोस्तों साइकिल का इस्तेमाल तो हम सभी ने किया होगा, लेकिन अगर हम एक ऐसी छोटी सी ई बाइक की बात करें जो कि साइकिल और ई बाइक दोनों के ही फीचर्स दे दे और देखने में भी एकदम यूनिक स्टाइल की लगे, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों वैसे तो ये एक तरीके की ई बाइक होती है जो कि बैटरी पावर्ड होती है, जहां पर 72 वोल्ट का बैटरी सिस्टम लगा होता है, जिसके हिसाब से आप इसे चार्ज करके चला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर रास्ते में आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो ऐसे में यहां पर आपको पैडलिंग सिस्टम भी दे रखा होता है, जैसे कि नॉर्मल पैडल चलाकर भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके पीछे की तरफ
तरफ आपको बैठने के लिए एक छोटी सी जगह दे रखी होती है और नॉर्मल अगर इसमें कोई नहीं बैठा होता है तो यहाँ पर आप अपना एक छोटा सा कैबिनेट लगा सकते हैं जिसमें कि सामान रखने में आपको काफी आसानी रहेगी। ये किसी भी बाइसिकल या फिर ई बाइक से काफी ज्यादा कम्फर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर आपको लेग स्पेस काफी दे रखा होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली इसे हैंडल से ऑपरेट कर सकते हैं आप अपने हाथों से, तो कमाल की चीज रहेगी जो कि एकदम यूनिक डिजाइन के साथ आपको मिलती है। नंबर 5, लैजरथ एम्फीबी। दोस्तों नॉर्मल जिप्सी को अगर आप देखेंगे तो उन्हें आप अच्छी रोडों पर तो दौड़ा ही सकते हैं, साथ ही वो तैयार की जाती हैं कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ रोड्स के लिए जहां पर आप नॉर्मल गाड़ियां सही से नहीं चला सकते। यानी कि जिप्सी एक ऐसी चीज होती है जो कि हर तरीके की जगह में आसानी से चल सकती है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो कि रोड के साथ साथ पानी में भी अच्छी तरीके से चल पाएगी। जी हां दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वाकई ऐसा पॉसिबल है। दोस्तों ये एक ऐसी छोटी सी कार होती है जो कि देखने में तो एकदम जिप्सी जैसी लगती है, जिन्हें आप रोड में तो इस्तेमाल कर ही पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको किसी पानी वाली जगह में जाना है जहाँ पर आप बोट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी ये आपके लिए एक छोटी सी बोट की तरह काम करेगी जिसे आप ठीक वैसे ही ऑपरेट कर पाते हैं जैसा कि आप नॉर्मल इसे चलाते समय करते हैं। यानी कि इसके स्टीयरिंग सिस्टम से ही आप इस बोट को भी कंट्रोल कर पाएंगे, तो काफी कमाल की चीज रहती है जो कि एकदम यूनिक स्टाइल के साथ आती है जिससे कि आप नॉर्मल सरफेस के अलावा भी पानी में भी इसे चला पाएंगे। नंबर 4, एक्सटेंड इलेक्ट्रिक बोट। दोस्तों आपने काफी सारे हावर बोट्स देखे होंगे लेकिन अगर हम एक ऐसे हावर बोट की बात करें एक ऐसे हावर बोट की जो कि कस्टमाइजेबल हो तो ये शायद थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा हावर बोट होता है जो कि आपके राइडिंग पैटर्न से काफी कुछ सीखता है जिसके बाद ये सेल्फ राइडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। यानी कि इसे आपको बार बार ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी स्पीड और अपनी हर चीज को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है आपके राइडिंग पैटर्न के हिसाब से। यानी कि यहाँ पर इनबिल्ट होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि इसे काफी हद तक प्रोग्राम कर देता है आपके हिसाब से। वहीं दोस्तों इस हावर बोट की आपको टॉप स्पीड 28 माइल पर आर की देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा रहती है। साथ ही दोस्तों यहां पर आप बैटरी स्वाइप करके इसकी रेंज को भी बढ़ा सकते हैं, तो ये कमाल के फीचर्स आपको इस छोटे से हावर बोट में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों ये लाइट सेंसिबल भी होता है जो कि शाम के समय खुद ब खुद अपनी लाइट्स को ग्लो करना शुरू कर देता है जिससे आपको राइडिंग में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो काफी कमाल के फीचर्स के साथ यहां पर मिलने वाला है ये हावर बोट, अगर आप भी चाहें तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 3, लैजरथ फ्लाइंग बाइक। दोस्तों फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना होगा लेकिन अगर हम एक ऐसी बाइक की बात करें जो हवा में उड़ सकती हो तो ये शायद बात आपको थोड़ी नई और अजीब सी भी लगे, लेकिन वाकई दोस्तों पॉसिबल है आज की इस टेक्नोलॉजी के साथ। दोस्तों दरअसल देखने में तो ये एकदम नॉर्मल बाइक लगती है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल आप राइडिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको कन्वर्टेबल मोड दे रखा होता है जिससे कि जब चाहे आप इसे एक छोटी सी फ्लाइंग बाइक में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप बटन दबाते हैं इसके सारे प्रोपेलर्स ओपन हो जाते हैं जिसके बाद ये हवा से बातें करने के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम नया सा रहता है जो कि एक नॉर्मल बाइक को हवा में उड़ने वाली बाइक में चेंज कर देता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक पावरफुल इंजन लगा होता है जो कि इसे पावर देता है जो कि लॉन्ग राइडिंग के हिसाब से भी काफी बेहतर रहेगा। तो अगर आपको ये उड़ने वाली बाइक पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर से दीजिएगा इस वीडियो में ताकि हम इसी तरीके के गैजेट्स आपके लिए और लाते रहें। नंबर 2, इनमोशन V11 इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल। दोस्तों बाइसिकल का इस्तेमाल तो लगभग सभी ने किया होगा लेकिन अगर हम बात यूनिसाइकिल की करें जिसमें कि एक व्हील होता है तो उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको काफी परफेक्शन की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा ही ट्रैवलिंग मीडियम होता है जहां पर सिर्फ आपको एक व्हील देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये हो जाती है एक तरीके की यूनिसाइकिल जिसका इस्तेमाल आप शॉर्ट डिस्टेंस में जाने के लिए कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी टॉप स्पीड की हम बात करें तो ये 35 माइल पर आर की होती है, साथ ही दोस्तों आप 75 माइल तक की रेंज में इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। एक तरीके की सेल्फ बैलेंसिंग यूनिसाइकिल होती है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके रोड्स में किया जा सकता है। आप अगर चाहें तो फ्लैट के साथ साथ इन्हें उबड़ खाबड़ रोड पर भी आसानी से चला पाएंगे, लेकिन ओवरऑल इसके लिए आपको एक परफेक्शन की जरूरत होगी जिसके बिना इसे चलाना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। तो कमेंट करके बताएगा क्या आपने कभी एक पहिए वाली यूनिसाइकिल को कभी ट्राई किया है या नहीं। नंबर 1, मीमो C1 कार्गो स्कूटर। दोस्तों आजकल ई स्कूटर्स का जमाना आने वाला है जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे ई स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका यूज शॉर्ट डिस्टेंस में किया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा ही ई स्कूटर होता है जो आपके लिए कार्गो कैरी करने का भी काम करेगा। यानी कि इस पे आप ट्रैवल करने के साथ साथ अपने सामान को भी इधर उधर ले जा सकते हैं। इसमें दो सेक्शन होते हैं जहां पर एक तो आपके ट्रैवल के लिए दे रखा होता है और दूसरा सेक्शन सामान रखने के लिए दे रखा होता है। आप अगर चाहें तो इन्हें एक्सचेंज भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, साथ ही कन्वर्ट करके इसे एक ट्रॉली के रूप में भी बदल सकते हैं। ये एक तरीके का बैटरी ऑपरेटेड गैजेट होता है जिसे कि आपको चार्ज भी करना पड़ता है। और वहीं दोस्तों इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल खास तौर के लिए डिलीवरी वगैरह के लिए भी किया जा सकता है जहां पर आसानी से काफी सारे सामान को एक साथ लादकर लोगों के घर तक पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी फिलहाल तो अभी इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलती है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाए। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है, साथ ही वीडियो में दिखाई गई किसी भी।
दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी लेटेस्ट न्यू इन्वेंशंस के बारे में जो कि आपको बेहद कमाल की लगेंगी। लेकिन मजा तो तब आएगा जब आप यहाँ पर इस सीरीज का सबसे आखिरी वाला गैजेट देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे ऐसे फीचर्स जिसे देखकर आप वाकई एक बार चाहेंगे कि काश ये आपके पास भी होता। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 10, एशहेलिटी T1 RGB पावर स्ट्रिप टॉवर। दोस्तों आजकल घरों में इतने सारे अप्लायंसेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी कभी पावर सॉकेट भी छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत कॉमन सिचुएशन है, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन के चार्जर और कंप्यूटर्स वगैरह इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि हमें एक मल्टी पिन सॉकेट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप भी एक ऐसा छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड की तलाश में हो जो कि देखने में भी अच्छा लगे और आप उससे काफी सारी डिवाइसेस ऐड कर सकें, तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड होता है जो कि एक टॉवर के शेप में रहता है, जहां पर आपको 3 पिन सॉकेट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको छोटी छोटी लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे इसके ऊपर और साइड्स में, जो कि इसे और भी ज्यादा एट्रैक्टिव बनाती हैं। ये पूरा टॉवर वाटरप्रूफ होता है, जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे अप्लायंसेस को पावर देनी होती है, जिसके लिए ये चीज काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, जो कि आपकी टेबल पर तो अच्छी लगेगी ही, साथ ही आपकी सारे अप्लायंसेस को सप्लाई भी देती रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इसे खरीदना, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 9, अपकार्ट लिफ्ट स्टेयर्स क्लाइंबिंग कार्ट। दोस्तों अगर आपको कोई भारी भरकम चीज उठानी होती है, तो कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं जो कि सपोर्ट में आपके साथ काम करें, और खास तौर से अगर आपको सीढ़ियां चढ़ानी पड़ जाएं, तब तो लगभग 2 लोग चाहिए ही होते हैं जिसकी मदद से आप उसे चढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आपके घर पर कोई नहीं है फिर भी आपको ये काम करना है, तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए बेहद काम का रहेगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जो कि खास तौर पर भारी भरकम सामान को उठाने के लिए बनाया गया है। इसमें एक टेलीस्कोपिक हैंडल लगा होता है, और सामान रखने के बाद आप इसे ओपन करके ड्रैग करके आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब बात स्टेयर्स पर चढ़ाने की आती है, तो इसमें एक साइड पर 3-3 छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये स्टेयर्स पर भी आसानी से चढ़ सकता है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये मैन पावर तो बचाता ही है, और साथ ही आप आराम से भारी भरकम सामान कहीं भी ले जा सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इसी तरीके के नए गैजेट्स आप तक पहुंचते रहें। नंबर 8, प्रोटोनिक्स बडी। दोस्तों बालों की केयर करने के लिए हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि उनमें अलग अलग तरीके के जेल लगाना, ऑयल लगाना, या फिर बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी ट्रिक्स अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि एकदम अलग ही टेक्नोलॉजी रहती है। दोस्तों दरअसल ये एकदम छोटे छोटे बड्स जैसे गैजेट होते हैं, जिन्हें आपको अपने कानों के नीचे की तरफ लगाना होगा, जिसके बाद ये आपकी वेंस को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे कि अगर सर की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलकर आपके बालों को बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि उनकी ग्रोथ पर एक काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। दोस्तों इसे आपको लगातार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हफ्ते में 2 बार भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको प्रॉपर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं इसके साथ आपको एक छोटा सा जेल पैड भी देखने को मिलता है, जहां पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और ये आपकी स्किन से एकदम अटैच रहता है। ये जेल पैड एक्सचेंजेबल होता है, इसे आपको बार बार बदलते रहना होगा। दोस्तों ये आपके हेड के ब्लड फ्लो को भी मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से आपको काफी रिलैक्स फील होगा। तो इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकता है आपने इससे पहले ना देखी हो, तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये छोटा सा अतरंगी सा गैजेट कैसा लगा है। नंबर 7, ईवियो शेवर। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग ट्रिमिंग करना पसंद करते हैं, जिनके लिए जनरली ट्रिमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जिन्हें अगर आप ट्रैवल पर्पस इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो शायद आप उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सारे अटैचमेंट्स को ले जाना ये भी एक सरदर्दी वाला काम होता है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा शेवर होता है जो कि आसानी से एक छोटे से ट्रिमर का काम करेगा। साइज वाइज देखा जाए तो ये बेहद छोटा सा रहेगा, जो कि आपकी मुट्ठी में आसानी से आ जाएगा। इसमें आगे की तरफ 0.1 mm के ब्लेड्स लगे होते हैं, जिससे कि ट्रिमिंग का काम आसानी से किया जा सकता है। ये आपको काफी क्लीन ट्रिमिंग देगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहता है। बस आपको अपने चेहरे पर इसे फेराना होगा और ये आपका काम कर देता है। तो काफी कमाल की चीज रहती है, जो कि देखने में तो बेहद सिंपल सी लगती है, लेकिन बेहतरीन रहेगी कहीं ना कहीं ट्रिमर की जगह पर। तो आप मेरे को कमेंट करके अब ये बताएंगे कि क्या आप इस गैजेट को इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर किसी नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रिमर को। नंबर 6, ओबीएस बॉट टेल। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कहीं न कहीं आपके ऊपर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि डांस वीडियोस हो गई या फिर एक्शन वीडियोस हो गई, पर ऐसे में आपका कैमरा फोकस नहीं कर पाता है, तो ये कैमरे को एक बार ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा कैमरा होता है जो कि खासतौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। इसमें हाईटेक AI फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, जो कि कहीं न कहीं फेशियल ट्रैकिंग और बॉडी रिकॉग्नाइजेशन दोनों कर सकते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं फोकस पर रखने में आपके लिए मददगार साबित होगा ये कैमरा। अगर आप चाहें तो इससे स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जहां पर इसके लिए स्पेशलाइज सपोर्ट
कोड दे रखे होते हैं इसके ऐप में, जिससे कि आप YouTube, Instagram और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इस तरीके का कैमरा बेहद साइज में छोटा होता है, जिससे कि इसे कैरी करना भी बेहद आसान रहेगा और आपको बेहतरीन क्वालिटी ये छोटा सा कैमरा अवेलेबल करा देता है। तो अगर आप भी स्ट्रीमिंग करने का सोच रहे हो या फिर इस तरीके की वीडियोस बनाते हो जिसमें कहीं ना कहीं आपको कैमरे की फोकस की जरूरत है, तो इस गैजेट को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं आप भी। नंबर 5, गोसन चिलेस्ट पोर्टेबल फ्रिज। दोस्तों, अगर आप कहीं लंबे ट्रैवल पर जा रहे हैं या फिर पिकनिक वगैरह पर जा रहे हैं, तो अपने साथ इस तरीके के छोटे से फ्रिज को कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मल तो हम लोग जो बकेट वाले फ्रिज कैरी करते हैं उनमें आपको आइस भरनी होती है, लेकिन एक समय बाद वो आइस भी पिघल जाती है, जिसके बाद वो हमारे किसी काम के नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, इस गैजेट में खास तौर पर काफी सारे फीचर्स इनबिल्ट किए गए हैं, जो कि साइज वाइज तो लगभग उतना ही होता है, लेकिन फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो बेहद कमाल के होंगे। ये एक तरीके का बैटरी ऑपरेटेड गैजेट होता है, जो कि लगभग 40 घंटों तक आपको ठंडक दे सकता है। साथ ही इसका मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो -4°C का होता है, यानी कि इसमें आप आराम से अपनी बर्फ वगैरह को भी रख सकते हैं। साथ ही इसमें सोलर चार्जिंग के भी आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, जहां पर साथ में आपको एक छोटा सा पैनल मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसे इमरजेंसी सिचुएशन में जहां चाहे वहां चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके फीचर्स यहीं पर एंड नहीं होते, यहां पर पिकनिक और पार्टीज का खासतौर पर ध्यान रखा गया है, जहां पर आपको एक छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप म्यूजिक का मजा ले सके। साथ ही दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया हो तो इसका इस्तेमाल एक छोटी सी पावर बैंक के तौर पर भी कर पाएंगे। तो इस तरीके के फीचर्स आपको इस छोटे से फ्रिज में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है एकदम कमाल की टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना। नंबर 4, एज। दोस्तों, आजकल कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल फोन पर भी काफी सारे प्रोफेशनल वर्क होने लगे हैं, और अगर आप अपने वर्क स्टेशन पर बार बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कमी खलती होगी कि उसकी डिस्प्ले को एकदम स्टैंड पर लगा दिया जाए, जिसके बाद नॉर्मली आप उसका इस्तेमाल कर पाएं। तो दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ही माउंट होता है, जो कि आपके लैपटॉप के पीछे की तरफ चिपका दिया जाएगा, जिसके बाद अपने मोबाइल फोन को आप आसानी से अपने लैपटॉप के बैक साइड पर अटैच कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्क्रीन आपके लैपटॉप की स्क्रीन के जस्ट बगल में हो जाता है। यानी कि अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल फोन पर, तो दोनों पे ही आप प्रॉपरली ध्यान दे सकते हैं। इस तरीके का गैजेट आपके वर्कस्टेशन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे कि आप इजीली एक्सेस कर सके अपने मोबाइल फोन को भी अपने कंप्यूटर के साथ ही साथ। नंबर 3, Xeon CyberX। अगर आप एक छोटी सी हाई स्पीड ई बाइक चाहते हैं, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि इसके फीचर किसी भी नॉर्मल ई बाइक से काफी अलग होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके साइज की। ये एक तरीके की छोटी सी मिनी ई बाइक होती है, जहां पर इसकी पूरी बॉडी में छोटी छोटी LEDs लगी होती है, जो कि रात के समय ब्लिंक करती है और काफी अट्रैक्टिव बनाती है इसके लुक को। साथ ही दोस्तों, ये 0 से 30 mph की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में ही पा लेती है, जिसकी वजह से आप इसे एक तरीके की रेसिंग ई बाइक भी कह सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 50 mph की होती है, और साथ ही सिंगल चार्ज पर लगभग आप 100 mph तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर आपको पैडल असिस्ट भी दे रखा होता है, जिसे कि नॉर्मल साइकिल की तरह भी आप इसे चला पाएं। यानी कि बैटरी अगर डिस्चार्ज भी हो जाए, तब भी कहीं ना कहीं आपका काम इससे नहीं रुकेगा। तो काफी बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है, लाइट वेट होती है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके के रास्तों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, ज़ाइफोस रोलिंग शॉवर स्क्रीन। दोस्तों, जब आप बाथरूम के अंदर शॉवर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी इधर उधर बाथरूम में पूरी जगह छिटक जाता है, जिसकी वजह से आपका बाथरूम गंदा तो होता ही है, और कहीं ना कहीं वाटर स्पॉट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे पड़ने लगते हैं, जो कि आपके बाथरूम की टाइल्स को धीमे धीमे खराब कर देते हैं। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के शॉवर स्क्रीन को। दोस्तों, दरअसल ये एक तरीके का ऐसा पर्दा होता है, जिसे कि आपको अपने शॉवर के आसपास लगा देना होगा, यानी कि जब भी आप शॉवर लेंगे तो इसके अंदर की तरफ रहेंगे, जिससे कि पानी बाहर की तरफ ना छिटके। साथ ही दोस्तों, इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे ही इसे अपनी दीवार पर लगा सकते हैं या फिर बाथरूम में कहीं भी लगा सकते हैं, और जरूरत ना होने पर आप इसे दोबारा से समेट सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जगह भी कम घेरेगा और आपका काम भी आसानी से कर देगा। तो अगर आप भी अपने बाथरूम में शावर लेते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें कि पूरा बाथरूम गंदा होता है, तो इस तरीके की गैजेट की मदद से आसानी से अपनी इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। नंबर 1, गॉट मॉड्यूलर मल्टी टूल। दोस्तों, मल्टी टूल गैजेट हमें शुरू से ही पसंद आते रहे हैं। इसके पीछे वजह यह होती है कि ये साइज वाइज तो काफी छोटे होते हैं, और साइज छोटा होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे गैजेट्स मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। दोस्तों, ये गैजेट भी एक ऐसा ही गैजेट होता है, जो कि साइज में तो एकदम कीरिंग के साइज का होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको इंडिविजुअल एक नाइफ दे रखी होती है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही एक छोटा सा ब्लेड भी दे रखा होता है। साथ ही दोस्तों, यहां पर आपको अलग अलग तरीके की बहुत सारी साइजेस की रिंचेस देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें कि आप अपनी जरूरत
के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इन गैजेट्स को आप इससे अलग भी कर सकते हैं, जिससे कि आप इसे इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। नॉइस के साथ साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा कटर देखने को मिल जाता है, एक छोटी सी कैची देखने को मिलती है जिसका आप यूज कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एक छोटी सी सॉ यानी कि एक आरी भी मिल जाती है, जो कि आपकी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकेगी। तो दोस्तों काफी कमाल की चीज होती है, जो कि साइज में छोटा होने के बावजूद भी काफी यूजफुल रहेगी। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये छोटा सा गैजेट कैसा लगा है। तो दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं या फिर वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अगर आपको मार्वल की मूवीज पसंद हैं या फिर आप आयरन मैन, स्पाइडर मैन, थॉर जैसे कैरेक्टर्स के दीवाने हैं, तो ये वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जो कि इन्हीं तरीके के सुपर हीरो से इंस्पायर्ड होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके के गैजेट्स और देखना चाहते हैं। नंबर 9, स्पाइडर मैन गियर एंड ब्लास्टर। दोस्तों स्पाइडरमैन मार्वल सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों सभी को पसंद है, क्योंकि इसे हम एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं और इनके कारनामे तो हम लोगों को काफी इंटरटेनिंग लगते ही हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज में थोड़ा सा और मजा ऐड करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके के गियर्स को, क्योंकि आपको स्पाइडरमैन की और भी ज्यादा याद दिलाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा गियर होता है, हालांकि स्पाइडरमैन तो वेब निकालता था अपने हाथों से, लेकिन दोस्तों यहां पर वेब की बजाय डॉट्स निकलती हैं, जो कि काफी हद तक सेफ होती हैं और अच्छा खासा एंटरटेनमेंट भी आपको करा देंगी। इसके साथ आपको मैगजीन कॉटेज मिलती है, जिसमें कि काफी सारे डॉट्स लगे रहेंगे और बच्चों को खेलने के लिए ये चीज बहुत ही इंटरटेनिंग होती है। तो ये गैजेट स्पाइडरमैन लवर को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको स्पाइडरमैन मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। नंबर 8, आयरन मैन ऑक रिएक्टर। दोस्तों आयरन मैन मूवी के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि टोनी स्टार के जो हार्ट में आर्क रिएक्टर लगा होता है, उसे जो है एक फ्रेम कराकर उसे गिफ्ट किया जाता है उसके बर्थडे पर। तो ये चीज उस मूवी में काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही थी, जिसे कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी कोई सजाने वाली चीज अपने घर पर रखना चाहते हैं जो कि देखने में एक अट्रैक्टिव सी लगे, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये ठीक वैसा ही एक शोपीस रहता है, जिसमें बीचों बीच एलईडी लाइट्स लगी होती हैं और ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं ये आयरन मैन लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, जिन्हें कि वो अपनी टेबल पर सजाकर रख सकती हैं। तो दोस्तों आयरन मैन मूवी तो मेरे को काफी पर्सनली पसंद है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 7, आयरन मैन MK50 रोबोट। दोस्तों आयरन मैन का मार्क 50 जो प्रोटोटाइप रहता है, उसे आपने मूवी में देखा होगा। जो उसका सूट रहता है वो हमेशा से लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा है। तो अगर आप एक ऐसा ही गैजेट अपने घर पर देखना चाहते हैं, तो इस छोटे से रोबोट को ले सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटा सी कॉपी होता है उस मार्क 50 रोबोट की, जो कि ठीक वैसे ही एक्शन करेगा जैसा कि टोनी स्टार्क मूवी में करता रहा है, यानी कि हाथों का मूवमेंट कराना, उसके पीछे के विंग्स को खोलना, ये सब कुछ इस रोबोट में फीचर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसका जो हेलमेट होता है, उसमें अंदर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है और जैसे ही हेलमेट ओपन होगा, तो आपको अंदर से टोनी स्टार्क का चेहरा दिखाई देगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पर अपना भी चेहरा लगा सकते हैं। और ये रोबोट एक तरीके से प्रोग्रामेबल रोबोट होता है, यानी कि इसके एक्शन वगैरह को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही ये इंटरेक्शन के लिए भी बेहद कमाल का रहेगा, जिससे कि ये आपके मन पसंदीदा शब्द बोल सकता है और काफी अच्छी खासी बातें भी कर लेगा। तो इस तरीके का रोबोट काफी ज्यादा पसंद आएगा आयरन मैन लवर्स को। नंबर 6, आयरन मैन मार्क 7 सूट पॉड मोड। दोस्तों आयरन मैन के चाहने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में अगर आप एक आयरन मैन के छोटे से प्रोटोटाइप को घर पर रखना चाहते हैं, तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जहां पर आपको आयरन मैन सूट के छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे होते हैं, जिन्हें की आपको अपने हिसाब से असेंबल करना होता है और आप इसे छोटी सी डिजाइन तैयार कर सकते हैं आयरन मैन की। तो दोस्तों यहां पर आपको छोटे छोटे ये पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप काफी सारी डिजाइंस वगैरह बना सकते हैं। बच्चों को इस तरीके का गैजेट बेहद पसंद आएगा, जिनसे कि कहीं ना कहीं उनमें क्रिएटिविटी तो आती ही है, साथ ही आयरन मैन से खेलने का उनको एक भी मिल जाता है। तो इस छोटे से गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, ग्रेविटी जेड सूट। दोस्तों आपने मूवी में तो आयरन मैन को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे उड़ना कोई आसान काम नहीं होता और ना ही अभी तक कोई ऐसे खास सूट बने हैं जो कि आयरन मैन की तरह आपको उड़ा सके। लेकिन हाँ, जेट पैक्स वगैरह की मदद से आप आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर आपको एक ऐसा जेट पैक दे रखा होता है जो कि उड़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। हालांकि छोटी रेंज में और नॉर्मल ऐसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी प्रोफेशनल उड़ान के लिए अभी ये उतना बेहतर नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी काफी बेहतर रहता है, जैसे कि नॉर्मल आदमी
उड़ सकता है बिना किसी सपोर्ट के। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हो सकता है अभी आपको ये देखने को कहीं ना मिले, लेकिन फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी जब लोग नॉर्मली पंछियों की तरह हवा में उड़ सकेंगे। नंबर 4, टेलो आयरन मैन एडिशन ड्रोन। दोस्तों टेलो ड्रोन के बारे में आपने हो सकता है पहले कभी सुना हो, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा बजट रेंज ड्रोन होता है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में आसानी से छोटी मोटी वीडियोस आपके लिए बना पाएगा। तो दोस्तों इसी का एक आयरन मैन एडिशन आता है जो कि आयरन मैन लवर के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। ये सारे इक्वल फीचर रखता है अपने नॉर्मल टेलो ड्रोन से, जहां पर आपको 720 पिक्सल में HD वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा होता है और इसका फ्लाइट टाइम लगभग 13 मिनट का होता है। वहीं दोस्तों यहां पर कंट्रोल के लिए आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी डिजाइन जो कि इसे खास बनाती है वो भी काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर आप एक आयरन मैन लवर हैं और आप एक छोटा सा ड्रोन खरीदना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 3, थॉर इलेक्ट्रॉनिक हैमर। दोस्तों मार्वल सीरीज के अंदर थॉर का जो हैमर है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में एक ऐसा डेकोरेटिव गैजेट हो जो कि कुछ कुछ थॉर के हैमर जैसा लगता हो। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है कुछ ऐसी चीज लेने का, तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों इस हैमर की खास बात ये होती है कि इसमें अंदर की तरफ LED लाइट्स लगी होती हैं जो कि इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। साथ ही इसकी डिटेल्स पर काफी ज्यादा वर्क किया गया है जिससे कि ये एकदम ओरिजिनल थॉर के हैमर जैसा ही लगता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी उन लोगों को जो कि इस तरीके का शोपीस अपने घर पर रखना चाहते हैं। नंबर 2, डुअल लेजर आयरन मैन ग्लव्स। दोस्तों आयरन मैन मूवी में जो उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं उनमें लेजर लाइट्स लगी रहती हैं जिससे कि वो फायर करता है। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती थी देखने में, लेकिन अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के आयरन मैन वाले ग्लव्स को। ये एक तरीके के डुअल लेजर ग्लव्स होते हैं जिनमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ लेजर लगी होती है। ऊपर जो लेजर रहती है उसका इस्तेमाल आप पॉइंटिंग के लिए कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप गुब्बारे वगैरह पर लगाते हैं तो फौरन गुब्बारा फट जाता है, यानी कि लेजर में काफी हीट भी रहती है। वहीं दोस्तों जो हथेली वाला लेजर होता है उसका इस्तेमाल आप इंग्रेविंग के लिए कर सकते हैं। ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी जिससे कि आप इंग्रेव करके चीजों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों आयरन मैन लवर्स के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद बेहतरीन रहेगा जो कि एक शोपीस वाली चीज ना होकर एक इस्तेमाल करने वाली चीज है। नंबर 1, स्पाइडरमैन इंटरैक्टिव रोबोट। दोस्तों ये गैजेट बच्चों को और स्पाइडरमैन लवर्स दोनों को ही काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ये एक तरीके का इंटरेक्टिव रोबोट होता है जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं या फिर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। देखने में तो ये एकदम छोटे से टेडी बियर जैसा लगता है जो कि एक डेकोरेटिव गैजेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना भी रहता है। जो इसकी आंखें रहती हैं वहां पर छोटी छोटी डिस्प्ले लगी होती है जिससे कि यहां पर आपको एक अलग ही लेवल की लाइटिंग दिखाई देगी और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं इस छोटे से रोबोट को। वहीं दोस्तों यहां पर बीचों बीच एक छोटी सी बटन लगी रहती है जिसे कि आप प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन आंसर करने में, क्विजेस करने में और बहुत सारे छोटे मोटे गेम्स खेलने में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उनकी प्राइस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। दोस्तों जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि पबजी गेम अब आपको एकदम नए अवतार में देखने को मिलने वाला है जो कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं और ऐसे में हमारे जो डाई हार्ट फैन है पबजी के, उन्होंने अपने गेमिंग सेटअप को लगाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो अगर आप भी एक गेमिंग लवर है और ऐसे में आप चाहते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन गैजेट देखना जो कि गेम खेलने में आपकी मदद कर पाए, तो आज की वीडियो एकदम आखिरी तक देखते रहेगा क्योंकि एक एक गैजेट आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा और आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को इस गैजेट के साथ। नंबर 12, बेसस न्यू शेप USB केबल। दोस्तों गेम खेलते खेलते अगर आपकी फोन की बैटरी खत्म होने लगे और ऐसे में आपको लगाना पड़ जाए चार्जिंग, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो नॉर्मल चार्जिंग केबल होती है उसे आप फोन पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसकी वजह से फोन की ग्रिप करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी और जुगाड़ से अगर आप फोन पकड़ने का ट्राई भी करते हैं तो कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं मिलते। तो इस जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की चार्जिंग केबल को जो कि काफी बेहतर रहेगी। दोस्तों इसे लगाने के बाद जो केबल होती है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है जिससे कि कहीं ना कहीं ग्रिप करने में आपको काफी आसानी होगी, साथ ही आप इजीली गेम को एंजॉय कर पाएंगे। तो हमारे पबजी लवर्स के लिए खास तौर पर बनाई गई है इस तरीके की चार्जिंग केबल जिसे कि वो अपनी गेमिंग के दौरान फोन को चार्ज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 11, इनो फोन कूलिंग पैड होल्डर।
दोस्तों अगर आप फोन पर लंबे समय तक गेम खेलते हैं तो ऐसे में उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसके बाद गेम भी कहीं ना कहीं फंस के चलने लगेगा, यानी कि गेमिंग की परफॉर्मेंस में आपको काफी ज्यादा अंतर दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें फोन को ठंडा करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कूलिंग फैंस का। लेकिन दोस्तों नॉर्मल कूलिंग फैन की बात करें तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे कि फोन के पीछे अगर आप उन्हें लगाएंगे तो उतना बेहतरीन रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं ग्रिप भी खराब होगी। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से फैन को, जो कि खास तौर पर आपके फोन को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस कूलिंग फैन की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही साइलेंट काम करता है अपना, यानी कि कोई भी आपको आवाज नहीं आएगी, और साथ ही इसमें रेडिएटर्स भी लगे होते हैं अंदर, जो कि आपके फोन को अंदर तक ठंडा करने का काम करेंगे। और दोस्तों साइज में भी ये काफी छोटा रहता है, जिससे कि फोन के पीछे की तरफ अगर आप इसे लगा लेते हैं तो ग्रिप करने में भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप भी गेमिंग करना पसंद करते हैं अपने मोबाइल फोन पर ही, और ऐसे में आपका फोन हीट करना शुरू कर देता है, तो ये गैजेट आपकी हीटिंग वाली प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा, जिससे कि लेटेस्ट गैजेट की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिलती रहे। नंबर 10, बेसस जॉयस्टिक गेम स्क्रॉलिंग टूल। दोस्तों अगर आप PUBG फोर फिंगर से खेलते हैं और ऐसे में जो फायर पोजीशन है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत आती है फोन को अच्छे से ग्रिप करने में। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपकी फायर करने में मदद करता है। साथ ही दोस्तों कहीं ना कहीं इससे ग्रिप भी आपको काफी अच्छी मिलेगी फोन की, और आपका फोन भी एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। दोस्तों दरअसल ये छोटी सी पुश बटन्स होती हैं, जिन्हें कि आपको फोन के ऊपर की तरफ क्लिप कर देना होगा, जिसके बाद जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं इनकी लाल बटन्स को, आपकी फायरिंग का काम खुद ब खुद इसमें हो जाता है, यानी कि बार बार आपको डिस्प्ले में अपनी उंगलियों को आगे लाकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं फोन को सेफली ग्रिप करने में मदद करता है। तो अगर आप भी PUBG प्रो प्लेयर हैं और आप चाहते हैं फोर फिंगर से खेलना, वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ग्रिप के साथ, तो इस गैजेट को एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 9, Nomodo वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। दोस्तों गेम खेलते खेलते अगर चाय पानी मिल जाए तो उसका तो एक अपना अलग ही मजा होता है। तो ये गैजेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं आपकी चाय को ठंडा होने से और आपकी कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म होने से बचाएगा। साथ ही दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन को चार्जिंग देने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट होता है एक छोटा सा वायरलेस चार्जर, जिसमें कि आप आराम से अपने फोन को रखकर चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक छोटा सा कूलिंग और हीटिंग पैड भी होता है, जिसकी मदद से आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को एक लंबे समय तक ठंडा रख सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाय कॉफी का मजा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं ये उनको गर्म रखने का काम करेगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको इस छोटे से गैजेट में देखने को मिल जाती हैं, जो कि गेमर्स को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ ही अगर आप एक ऑफिस पर्सन हैं तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप काम करते करते अपनी ड्रिंक्स को लेना भूल जाते हैं तो आपकी चाय कॉफी एकदम सही सलामत रहेगी इस पे। नंबर 8, वॉय ग्लासेस। दोस्तों आप जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो लगभग सभी गेमर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक लंबे समय तक मोबाइल फोन पर लगे ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, यानी कि आपकी नजरें अगर कमजोर हैं तब तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के ग्लास को, जो कि एक ऐसे पावर एडजस्टिंग फीचर के साथ आता है, जिससे कि आप अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से इसके पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लेंसेज के पास में छोटे छोटे व्हील्स दे रखे होते हैं, जिसे कि आगे पीछे करके आप इसके पावर को एडजस्ट कर पाएंगे, यानी कि दूर की नजर और पास की नजर वालों के लिए चश्मा तो एक ही रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर पाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। साथ ही इन ग्लासेस में आपको ब्लू लाइट ब्लॉकर और यूवी प्रोटेक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है, जो कि लंबे समय तक मोबाइल फोन यूज करने वालों के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होता है। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके के ग्लासेस को परचेज कर सकते हैं, जिससे कि गेम खेलने में कहीं ना कहीं आपकी आंखें सुरक्षित रहें। नंबर 7, बेसमी पर्सनल सबवूफर। दोस्तों गेम खेलते समय अगर आप हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको साउंड तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो बेस होता है वो उतना मजेदार नहीं आता। तो ऐसे में आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके के सबवूफर की तरह काम करेंगे आपके हेडफोन या फिर ईयरफोन के साथ। दोस्तों इन्हें आपको अटैच करना होगा अपने मोबाइल फोन के साथ, और जब आप इसे अपने चेस्ट पर लगा लेते हैं और जो भी साउंड आपकी गेम में होती है, ये ठीक उसी हिसाब से आपकी बॉडी में इम्पैक्ट देता है, जिससे कि बेस आपको एकदम अंदर तक फील होगा। तो गेमर्स के लिए ये चीज बड़ी ही कमाल की होने वाली है, जिससे कि वो गेम को एकदम अंदर तक फील कर सकते हैं। नंबर 6, गेमसर X2 टाइप सी गेमिंग कंट्रोलर। दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन में गेमिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप टच पर अपनी कंट्रोल्स को यूज कर रहे होते हैं, तो आपका जो व्यू होता है वो हल्का फुल्का ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मजा नहीं आता है जो आना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा गैजेट, जो कि आपको गेम कंट्रोल के बेहतरीन ऑप्शन तो देगा ही, साथ ही आपका व्यू भी किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं होगा। दोस्तों ये एक ऐसा गेमिंग कंट्रोलर होता है, जिसे कि आपको अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच करना होता है। साथ ही दोस्तों जैसे ही आप अटैच करा लेते हैं, तो सारे कंट्रोल्स आपके इस छोटे से कंट्रोलर में आ जाते हैं, जिसके बाद आप इजीली इसका
बिना इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटी सी जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है, कुछ नेविगेशन कीज देखने को मिल जाती है, जिससे कि गेम का कंट्रोल तो बेहतर होगा ही होगा, साथ ही इसका मजा भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आएगा। दोस्तों इस गैजेट की एक और खास बात होती है कि ये सभी तरीके के स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल होता है, यानी कि साइज कोई भी हो आपका स्मार्टफोन आसानी से इसमें आ जाएगा, बस आपके फोन में टाइप सी पोर्ट का होना जरूरी होता है। नंबर 5, Z2T एनवर नेक वार्मिंग स्कार्फ। दोस्तों मौसम का प्रभाव तो हमेशा से ही ह्यूमन बॉडी पर हावी रहा है, और जब आप बात गेमिंग की करेंगे तो ऐसे में भी कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर आप गर्मी के मौसम में गेम खेलते हैं तो आपको गर्मी लगेगी, और सर्दी के मौसम में आप रजाई के अंदर कब तक आखिर गेम खेलेंगे। तो दोस्तों ये सिचुएशन बड़ी ही उलझाऊ होती है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं अब आपको एक बताने वाला हूं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा गैजेट जो कि देखने में तो एक हेडफोन के जैसा लगता है, लेकिन ये आपके लिए छोटे से एयर कंडीशन की तरह काम करेगा। दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आसानी से आप अपनी बॉडी को ठंडा या गर्म रख सकते हैं। देखने में तो ये एकदम फोन जैसा लगेगा, जिसे कि आप फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा पाएंगे, लेकिन जब चाहे इसे अनफोल्ड करिए, अपने नेक पर लगा लीजिए, और पावर बैंक से कनेक्ट करने के बाद इसे जब पावर मिलती है तो ये आपकी बॉडी को ठंडा या गर्म रखने का काम आसानी से कर सकता है। तो गेमर्स के लिए ये चीज बड़ी कमाल की रहेगी कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए PUBG खेलते समय, और ऐसे में ये गैजेट्स आपको कहीं ना कहीं मौसम से तो निजात देता है। नंबर 4, एम्बर मक 2। दोस्तों कभी कभी किसी काम को करने में हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि अगर हमारी चाय कॉफी कोई बगल में रख जाता है तो हमारा ध्यान भी उस पर नहीं जाता। तो दोस्तों गेमिंग करते समय तो ये चीज जरूर होती है कि जब आप PUBG जैसे गेम को खेल रहे होंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आप उसी में लगे रहेंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो इस तरीके के मग को आप अपने गेमिंग के वक्त ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मग होगा जो कि आपकी चाय कॉफी को गर्म रखने का काम करेगा। ये दरअसल एक बैटरी पावर्ड गैजेट होता है, जिसे कि आपको चार्ज करना पड़ता है, और सिंगल चार्ज पर लगभग 1.5 घंटे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चाय कॉफी आराम से आपकी लगभग 1.5 घंटे तक इसमें गर्म बनी रहेगी। और तो और दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन के साथ भी कनेक्ट रहता है, जिससे कि जब भी आपकी चाय कॉफी ठंडा होना शुरू होगी तो फौरन ये आपके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन भी भेज देगा। तो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी लगती है, मुझे लगता है ये खास तौर पर गेमर्स के लिए बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल करके आसानी से वो अपनी चाय कॉफी को एक लंबे समय तक पीते रहें। नंबर 3, Realme Buds Air Pro। दोस्तों अगर आप एक ऐसे ईयरबड्स चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप खास तौर पर गेमिंग में कर पाए और आपको एक लंबा बैकअप मिले, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। रियलमी की तरफ से आने वाले ये प्यारे से ईयरबड्स खास तौर पर बनाए गए हैं गेमिंग के लिए, जहां पर आपको सुपर लो लेटेंसी देखने को मिलती है, जिससे कि गेमिंग का मजा ही कुछ और हो जाता है। साथ ही इसमें लगभग 25 आवर का प्ले टाइम मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का रहेगा, यानी कि बार बार इसे आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप गेम खेलते समय एक लंबा समय इस पर बिता सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये ईयरबड्स पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, जहां पर ये आपको मिल जाते हैं IPX4 रेटिंग के साथ, जिससे कि आप इजीली इसका इस्तेमाल कर पाए। साथ ही यहां पर आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए डुअल माइक सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर्स से ये ईयरबड्स लेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी के मामले में तो एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज देता है ये। तो कमेंट करके बताएगा कि भाई आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 2, OnePlus 9। दोस्तों OnePlus खास तौर पर अपनी बेहतरीन डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, और गेमर्स की भी हमेशा से पसंद रही है OnePlus, क्योंकि वहां पर जो प्रोसेसर और जो कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाती हैं वो काफी खास बना देती है आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को। तो OnePlus 9 भी खास तौर पर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर इनबिल्ट होता है स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें एड्रिनो 660 GPU देखने को मिल जाता है, जिससे कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन होगी। आप अगर चाहें तो इसे 8GB रैम या फिर 12GB रैम के आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रही गेमिंग की बात, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी करना चाहते हैं तो उसके भी अल्टीमेट ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ ये आता है, और साथ ही दोस्तों 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफी प्रोफेशनल क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। और वहीं दोस्तों गेमर्स के लिए कहीं ना कहीं डिस्प्ले का भी एक अपना बड़ा रोल होता है, तो यहाँ पर आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी यहाँ पर एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो कमेंट के बताएगा कि आपको ये OnePlus 9 कैसा लगा है। नंबर 1, Mutris GB30 स्मार्ट ऑडियो ग्लासेस। दोस्तों अगर आप लंबे समय तक गेमिंग करते हैं और ऐसे में किसी हेडफोन को या फिर ईयरफोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी ना कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कानों में हल्का फुल्का दुखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के मजेदार गैजेट को, जो कि एक तरीके के ग्लासेस होते हैं, लेकिन ये आपके लिए छोटे से ईयरफोन की तरह भी काम करेंगे। इनमें दरअसल पीछे की तरफ से बोन कंडक्शन वाले स्पीकर्स लगे होते हैं, जो कि आपके कानों में अंदर तक आवाज पहुंचाते हैं, यानी कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति भी
उन आवाजों को नहीं सुन सकता है, लेकिन आपको क्लियरली सारी साउंड सुनाई देगी। इसमें आपको बोन कंडक्शन स्पीकर्स के साथ साथ डायरेक्शनल साउंड्स के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि जब आप गेमिंग कर रहे होंगे तो आपको सारे फुट स्टेप वगैरह सब कुछ बहुत ही क्लियरली सुनाई देगा। दोस्तों काफी कमाल की चीज रहती है, जो कि देखने में तो बिल्कुल अलग सी होती है, लेकिन गेमर के लिए एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो कमेंट करके बताएगा कि भाई आपको इस सीरीज के सबसे बेहतरीन गैजेट्स कौन कौन से लगे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के